हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक स्टूडियो। मैं अजहर साबरी। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी वेबसाइट को एक्सेस कर रहे होते हैं लेकिन वो एक्सेसिबल नहीं होता है, यानी कि हम उस वेबसाइट को ओपन नहीं कर पाते। वो इसलिए होता है क्योंकि गवर्नमेंट कुछ वेबसाइट्स को बैन कर करके रखी हुई होती है। जैसे कुछ गलत तरह के वेबसाइट्स तो होती ही हैं, इसके अलावा कुछ सही वेबसाइट्स भी होती हैं, उसे भी गवर्नमेंट किसी न किसी कारण से बैन कर देती है। लेकिन यदि हमें उस वेबसाइट्स को ओपन करना होता है या फिर उस वेबसाइट पर कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उस केस में हम यही सोचते हैं कि किसी न किसी तरह से उस वेबसाइट को एक्सेस कर लिया जाए। कई बार ऐसा भी होता है कि हम लेटेस्ट मूवीज़ की वेबसाइट को एक्सेस करना चाहते हैं लेकिन नहीं हो पाता है, क्योंकि उन वेबसाइट्स को भी बैन किया हुआ होता है। इसके लिए बहुत ही बढ़िया, सस्ता और टिकाऊ एक उपाय है जो कि लोग अक्सर यूज़ करते हैं, दुनिया भर के लोग इसे यूज़ करते हैं, जिसका नाम है VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जो कि कंप्यूटर के साथ साथ आजकल मोबाइल फोन के लिए भी अवेलेबल है। और आज हम इसी को लेकर के बात करेंगे 5 बेस्ट VPN ऐप फॉर एंड्रॉयड फोन के बारे में, यानी कि 5 ऐसे बढ़िया VPN ऐप जो कि एंड्रॉयड फोन के लिए है। चलिए बारी बारी से देखते हैं। नंबर 1, हॉटस्पॉट शील्ड। इसमें आपको 2500 से भी ज्यादा सर्वर्स मिल जाते हैं। जहां तक लोकेशन की बात की जाए तो आप 70 लोकेशन को एक्सेस इस ऐप के जरिए से कर सकते हैं। मैक्सिमम डिवाइसेस की सपोर्टेबल की बात किया जाए तो आप 5 मैक्सिमम डिवाइस को इसे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो इजी टू यूज के साथ साथ 500 MB डेली डेटा अलाउंस मिलता है, यानी कि 15 GB पर महीने आप डेटा यूज कर सकते हैं। सिक्योरिटी के मामले में ठीक ठाक है लेकिन परफॉर्मेंस के मामले में थोड़ा ठीक नहीं है। अब चूंकि ये फ्री ऐप है तो जाहिर सी बात है कि फ्री में आपको सब कुछ तो नहीं मिलेगा। यूजर फ्रेंडली है तो इस ऐप को आप एज अ फ्री VPN यूज कर सकते हैं। बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ। नंबर 2 पर है टनल बियर। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने इसका नाम सुना होगा और आप में से बहुत सारे लोग इसको यूज भी कर रहे होंगे। इस टनल बियर ऐप में आपको मिलता है नंबर ऑफ सर्वर्स 1000 और नंबर ऑफ लोकेशंस जो होते हैं वो 20+, यानी कि 20 से ज्यादा लोकेशंस आपको मिल जाते हैं। मैक्सिमम डिवाइसेस सपोर्टेबल जो है वो 5 डिवाइसेस को आप कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि 5 डिवाइसेस को सपोर्ट करता है। ये यूजर फ्रेंडली के साथ साथ कहें कि मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों क्लाइंट के लिए ये अवेलेबल है। इसके साथ साथ इसका सेटिंग वगैरह बहुत ही इजी है लेकिन आपको डेटा लिमिट बहुत ही कम मिलता है। अब बढ़ते हैं नंबर 3 की तरफ। नंबर 3 पर है वाइंड स्क्राइब। इसमें आपको नंबर ऑफ सर्वर्स मिलते हैं 400+, नंबर ऑफ लोकेशंस मिलते हैं 60+, और मैक्सिमम डिवाइसेस सपोर्टेबल की बात करें तो आप अनलिमिटेड डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि अनलिमिटेड डिवाइसेस को ये सपोर्ट करता है। इसके साथ जो अलग फीचर्स की अगर बात किया जाए तो इसमें 10 GB डेटा पर मंथ आपको मिल जाता है। इसके अलावा प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह ठीक ठाक है, सिक्योरिटी भी अच्छा है, और स्पीड की बात की जाए तो बीच बीच में स्पीड में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। अब जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि फ्री में है तो सब कुछ तो आपको नहीं मिलेगा, जाहिर सी बात है कि ये भी आपको 10 GB पर मंथ का डेटा मिल जाता है। इसके साथ साथ थोड़ा सा स्पीड में इशू हो सकता है लेकिन अनलिमिटेड डिवाइसेस को भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, ये एक प्लस पॉइंट इस ऐप में है। अब बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ। नंबर 4 पर है Speedify। इसमें जो आपको नंबर ऑफ सर्वर्स मिलते हैं वो 200+ नंबर ऑफ सर्वर्स होते हैं, और नंबर ऑफ लोकेशंस की बात किया जाए तो 50 से ज्यादा लोकेशंस अवेलेबल होते हैं, और मैक्सिमम डिवाइसेस सपोर्टेबल की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 1 डिवाइस सपोर्ट करता है। इसके अलावा इसके एक्स्ट्रा फीचर की बात करें तो यूजर फ्रेंडली है, सिक्योरिटी ठीक ठाक है, प्राइवेसी पॉलिसी भी ठीक ठाक है, लेकिन आपको इस ऐप में कंट्रोल बहुत ही कम मिलता है और आप इसके जरिए नेटफ्लिक्स को भी एक्सेस नहीं कर सकते। मतलब कि यह थोड़ा ठीक ठाक सा नहीं है लेकिन फ्री के मामले में देखा जाए तो थोड़ा ठीक ही है। अब बढ़ते हैं अगले और आखिरी नंबर की तरफ, यानी कि 5वें नंबर की तरफ। 5वें नंबर पर है प्रोटोन VPN। ये भी फ्री ऐप है, एंड्रॉइड फोन के लिए अवेलेबल है। इसमें आपको नंबर ऑफ सर्वर्स जो मिलते हैं वो 628 होते हैं, सर्वर्स लोकेशन जो होते हैं वो 44 होते हैं, और मैक्सिमम डिवाइसेस सपोर्टेड जो होते हैं वो 5 होते हैं। इसके अलावा अदर फीचर्स की बात की जाए तो आपको इसमें कोई मंथली डेटा लिमिट नहीं मिलता है, प्राइवेसी की बात किया जाए तो ठीक ठाक है, यूजर फ्रेंडली है, इसके साथ साथ सिक्योरिटी भी ठीक ठाक है, 1 device at a time का लिमिट है। ये थे टॉप 5 VPN ऐप्स एंड्रॉइड फोन के लिए। आप इनमें से किसी एक ऐप को यूज करके उन वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकते हैं जो कि यहां पर बैन है, जो कि एक्सेसिबल नहीं है। बस यही थे 5 बेस्ट VPN ऐप्स एंड्रॉइड फोन के लिए। तो आई होप कि आप लोगों के लिए ये वीडियो ज्यादा यूजफुल इसलिए होगा क्योंकि आप लोग उन वेबसाइट्स को एक्सेस कर पाएंगे जो यहां पर बैन है, वो भी इन VPNs में से किसी एक को यूज करके।
चलिए आज तक के लिए इतना ही। इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल टेक स्टूडियो को सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस के अपडेट के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय।